हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, टिकटॉक के बारे में बहुत लेटेस्ट न्यूज़ लेकर के आ रही है, तो ये वीडियो जो है लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि टिकटॉक को जो है पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पाकिस्तान में इसे बैन कर दिया गया है। और इंडिया के भी बारे में जो है अपडेट है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसी के साथ साथ पबजी के बारे में भी बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है पबजी लवर्स के लिए, और भी ढेर सारी न्यूज़ मिलने वाली है इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं आरकेसीएम यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि हम जो है सोशल मीडिया से रिलेटेड सारा कुछ अपडेट लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। और दोस्तों, जो पहली खबर आ रही है वो भुवन ओम की तरफ से आ रही है, क्योंकि मिंत्रा के ये जो है ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। कि आपको पता है कि मिंत्रा एक बहुत बड़ी शॉपिंग वेबसाइट है, जो कि ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो है फैसिलिटी देती है अपने ग्राहकों को। तो उसके जो है ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं नए भुवन ओम, जिसे आप जो है बीवी की वाइंस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में बताया था कि बाबा का ढाबा इन दिनों कितना ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब ये इतना ज़्यादा वायरल हुआ है कि सभी जो है लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इनकी मदद करने पहुंच गए। और अगर बात करें इनके पहले की, तो पहले जो है अपने ढाबे से ये पूरे दिन में 40 रुपये ही कमा पाते थे, लेकिन अब जो है जब से सोशल मीडिया में वायरल हुए हैं, तब से इनके ढाबे पर इतने ज़्यादा लोग जो है इनके जो है प्रोडक्ट को खरीदने आ रहे हैं। अब तो हाल ऐसा है कि इनके प्रोडक्ट खत्म ही हो गए भाई, इन्हें जो है ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ रहा है। और भाई रातों रात जो है सोशल मीडिया ने इनकी किस्मत बदल दी, तो इससे ये बहुत ही खुश हैं। और हमारी भी यही अपील है कि आपके आसपास कोई ऐसा बुजुर्ग जो है आपको दिखता है, तो उसकी मदद जरूर करें, जो दो वक्त की रोटी के लिए काम करता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है दोस्तों, वो पबजी की तरफ से आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा कि एयरटेल जो है इसे पार्टनरशिप करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे जो है टेंसेंट इसे जो है परमिशन नहीं दे रहा है। हालांकि उसके शेयर्स जो है अलग कर दिए गए हैं, लेकिन अब पूरी तरह से जो है टेंसेंट गेम के इसने शेयर जो है पूरी तरह से अलग कर दिए हैं इंडिया के बिजनेस के लिए। तो ये जो है बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको पता है कि अभी हाल ही में ऐसा सुनने में आया था कि एयरटेल के साथ जो है ये पार्टनरशिप करने वाला है पबजी कॉरपोरेशन। तो आपको बहुत ही जल्दी गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है कि पबजी मोबाइल गेम जो है कमिंग बैक। जी हाँ दोस्तों, ये इंडिया में बहुत जल्द आ सकता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जो है बताता रहूँगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है दोस्तों, वो टिकटॉक की तरफ से आ रही है। तो दोस्तों, कुछ टिकटॉकर्स का मानना था कि अगर ये इंडिया में बैन कर दिया गया है, तो ये जो है सभी कंट्रियों में बैन कर दिया जाए। और हाल फिलहाल उनकी दुआ जो है कबूल हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में पीटीए के द्वारा इसे जो है ब्लॉक कर दिया गया है पाकिस्तान में टिकटॉक को। तो इसका क्या रीज़न था, तो जानेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, पाकिस्तान की टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी शुक्रवार को जो है इसे पाकिस्तान में पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस पे जो है शिकायतें हुई थी, काफ़ी अश्लील वीडियो जो है माना गया था, और काफ़ी लोगों के शिकायत के बाद जो है ये जो है पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि चीन तो पाकिस्तान का दोस्त है, तो चीन का प्रोडक्ट पाकिस्तान कैसे जो है बैन कर सकता है? तो इस पर जो है मैं आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट करके लाया हूं, तो आप इस खबर को जो है बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या वजह रही कि पाकिस्तान में इसे बैन किया गया है, और इसे जो है कैसे बैन किया गया है, क्या ये परमानेंटली बैन है, क्या जो है ये जो है ऐसी टेम्परेली बैन है पाकिस्तान में, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इंडिया पर, कि इंडिया में वापस आएगा या नहीं आएगा। तो आप इसे जो है आर्टिकल को फुल पूरा पढ़ लीजिए, तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी कि आखिरकार ये क्या है। तो ये जो मैं आपके लिए न्यूज़ लाया हूँ, ये पूरा जो है वेरीफाई करके लाया हूँ, कई साइटों से जो मैंने इसे वेरीफाई किया है, तब आपके लिए जो है ये न्यूज़ लाया हूँ। तो मैं आपके लिए इसमें मेन मेन टॉपिक बता दे रहा हूँ भाई, पाकिस्तान में बैन करने का टिकटॉक को जो है क्या रीज़न क्या था। तो मैं आपके लिए बता दूं कि हाल ही इसमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके जो है अश्लील वीडियो को, अश्लील कंटेंट को दी गई है, इसे वजह बताई गई है इसे बैन करने की, क्योंकि बहुत से लोगों ने जो है इसे रिपोर्ट किया था, तब सरकार को ये एक्शन लेना हुआ था। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान में जो है एक बार यूट्यूब को भी बैन कर दिया गया है और एक बार टिकटॉक को भी बैन कर दिया, लेकिन वापस से इसे जो है अनबैन कर दिया गया है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और रही बात इंडिया की वापसी की इसकी टिकटॉक की, तो अभी जो है इंडिया का बिजनेस यूएस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि यूएस में जो है 12 नवंबर को है इलेक्शन, तो 12 नवंबर से पहले कुछ हो नहीं सकता। लेकिन टिकटॉक के बारे में अगर कोई न्यूज़ आती तो मैं आपको जो है सबसे पहले बता दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही सोशल मीडिया अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।